हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेप्रोक्सिन टेबलेट के बारे में, जो कि NSAID क्लास की दवा है और इसका सेवन मुख्य रूप से दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से दर्द में इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है, किस नेम से मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, इसका प्राइस क्या है, इसको लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और किन लोगों को यह दवा नहीं लेना चाहिए। संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें और यदि चैनल पर नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए मेरे दोस्त, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी ही मेडिसिन के बारे में जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेप्रोक्सिन इस दवा का जेनरिक नेम है। अगर ब्रांड नेम की बात करें तो जैसे नेप्रोसिन इस दवा का ब्रांड नेम है। यह 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अगर प्राइस की बात करें तो ₹3 से ₹6 में प्रति टेबलेट मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस दवा के यूजर्स के बारे में। तो जैसे यह NSAID क्लास की दवा है तो इसका मेन यूज दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर किसी को सर में दर्द हो, दांतों में दर्द हो, अर्थराइटिस पेन हो, गठिया का पेन हो, हड्डियों और जोड़ों में पेन हो, लेडीज में मासिक धर्म के वक्त होने वाला पेन हो, तो उस समय नेप्रोक्सिन टेबलेट का सेवन किया जाता है। इसके साथ फीवर में भी इस दवा का यूज किया जा सकता है। अगर डोज की बात करें तो वैसे तो डोज आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें, बट फिर भी अगर नॉर्मल डोज की बात करें तो एक एक गोली सुबह शाम दी जा सकती है और इसे फुल ग्लास पानी के साथ लेना चाहिए। इस टेबलेट को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो जैसे पेट खराब हो सकता है, उल्टी मितली हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, हृदय गति कम हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, कोई एलर्जी रिएक्शन हो सकता है जैसे खुजली, गले में सूजन हो सकती है, आंखें या त्वचा पीले पड़ सकते हैं, यूरिन का कलर चेंज हो सकता है और भूख ना लगने की समस्या भी हो सकती है। या इनके अलावा अगर आपको कोई और भी साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत ही इस दवा का सेवन बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें, जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब बात करते हैं किन लोगों को यह दवा नहीं लेनी चाहिए। तो जैसे अगर कोई महिला गर्भवती हो या कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो उन्हें यह दवा नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ अगर कोई लीवर का कोई पेशेंट हो या फिर किसी को किडनी डिजीज हो और अगर किसी का BP हाई रहता हो तो उन्हें भी यह दवा नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई नेप्रोक्सिन और एस्पिरिन से एलर्जिक हो तो उन्हें भी यह दवा नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, यह तो थी नेप्रोक्सिन टेबलेट के बारे में जानकारी। यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि यह जानकारी किसी और के भी काम आ सके। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। गुड बाय दोस्तों।